पुराने सामान वगैरह बाल्टियाँ वगैरह ऐसे पड़ी हुई थी और शॉर्ट सर्किट से लग रहा है आग लग गई और गर्मी के कारण आग ज़्यादा बढ़ गई है। हवा के कारण आग थोड़ी फैली है लेकिन फायर ब्रिगेड ने आगे आग से काबू पा लिया, कोई जनहानि नहीं है, माल की हानि जरूर हुई है। गांधीनगर मदार गली नंबर 4 में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, 3 दमकलों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, जनहानि टली। मंगलवार दोपहर वार्ड नंबर 55 के अंतर्गत गांधीनगर मदार में गली नंबर 4 में जितेंद्र कुमार जैन, मनीष कुमार जैन के प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग तेज हवाओं के चलते कुछ ही देर में विकराल हो गई। आग की वजह से पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया, साथ ही आसपास के गोदामों की दीवारें भी दरक गई। सूचना पर अलवरगेट थाना पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, जिसने 3 दमकलों की मदद से लगभग 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पार्षद रजनीश चौहान भी पहुंचे और आसपास के गोदाम संचालकों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। फायरमैन भागचंद ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर 3 दमकलों को मौके पर भेजा गया है, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। मौके पर अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल प्रभु दयाल भी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कहां पर है भैया? ये प्लास्टिक का गोदाम है, पुराने सामान वगैरह बाल्टियां वगैरह ऐसे पड़ी हुई थी और शॉर्ट सर्किट से लग रहा है आग लग गई और गर्मी के कारण आग ज्यादा बढ़ गई है। हवा के कारण आग थोड़ी फैली है लेकिन फायर ब्रिगेड ने आके आग पे काबू पा लिया, कोई जनहानि नहीं है, माल की हानि जरूर हुई है। ये मनीष जैन का गोदाम है प्लास्टिक का, हमारे को सुनने मिली कि मदार मनीष जैन के गोदाम में प्लास्टिक में आग लग गई है। हमने तुरंत मौके से 2 गाड़ियां रवाना की तुरंत ही, और एक गाड़ी और रवाना करी थी, वो रास्ते में हो सकता आ रही हो। बहुत भयंकर आग थी, आसपास की दीवारें वगैरह गिर गई, इसके टेंट पर जो भी चद्दर वगैरह लगाए थे सारे जल गए। बट ये प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह बनती है कहाँ पर? ये मदार में। अब आग पे काबू? आग पे काबू है, कि थोड़ा बहुत है जो भी और कर रहे हैं काबू। इस पे जनहानि तो कोई नहीं हुई। कितने टाइम लग गया इसको? 1 घंटे से ऊपर लग गया हमारे को। और क्या हुआ है? सूचना कंट्रोल रूम से मिली थी, कंट्रोल रूम से इतना मिली थी मदार में गली नंबर 4 में, पेट्रोल पंप साहब गली नंबर 4 में कोई आग लगी गोदाम, प्लास्टिक गोदाम। कोई जनहानि? जनहानि कुछ नहीं, काबू पा लिया, आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड को फोन किया तो 3 गाड़ी आ गई। और ऐसी कोई बात नहीं थी, पता नहीं कैसे आग लगी है और आग लगकर इतना विकराल रूप ले लिया। और तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, कोई जनहानि नहीं हुई है, माल का नुकसान हुआ है, सब ठीक है। बाकी ये प्लास्टिक की बाल्टियों का गोदाम था, ये जितेंद्र कुमार जैन का गोदाम है। ठीक है, अब उसका आंकलन अभी बाद में बताएंगे भैया, अभी तो पहले आग हो जाना है।